नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बाबू जी नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं? बेटा कैसे हो? बड़े अंकल जी। सुनील भाई साहब आइए। कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई भाई साहब? नहीं जी, भाई साहब बड़ी आसानी से आए, कोई परेशानी नहीं हुई जी। अरे भाई साहब, अब अपनी बेटी को बुला ही लीजिए, हमसे तो रुका नहीं जा रहा अब उसे देखने से। हाँ जी बाबू जी, बिल्कुल, बस आती होगी, वो नाश्ता बना रही है। अमित बेटा तुम क्या करते हो? अंकल जी मैं मेडिसिन कंपनी में मैनेजर हूँ, मेडिसिन कंपनी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड मैं ही देखता हूँ। वेरी गुड। बेटा हमारा बहुत मेहनती है जी, हम तो कह रहे थे अपनी पसंद से कर ले शादी, कहता नहीं जहाँ आप बोलोगे वहीं करूँगा शादी, बस हम आ गए आपकी बेटी का रिश्ता लेके। अरे भाई साहब अब बुला ही लीजिए अपनी बेटी को, हमसे तो रुका नहीं जा रहा अब। रश्मि बेटा पानी लेके आओ। ममता नाश्ता रेडी है क्या? हाँ बस 2 मिनट और लगेगी, सब रेडी है। ममता जल्दी करो, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी करो, नाश्ता रेडी है या नहीं? हाँ बस 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। तुम्हारे 2 मिनट आज से कभी पूरे हुए हैं? मुझे ऑफिस टाइम से जाना है, तुम जानबूझ के ऐसे ही लेट करती हो। नहीं ऐसा है, तुम करो नाश्ता, मैं जा रहा हूँ। अरे 2 मिनट और रुक जाओ, नाश्ता सब रेडी है, मैं बस लेकर आ रही हूँ। तुम्हारे पास 2 मिनट होंगे, मेरे पास नहीं है, ठीक है? मुझे ऑफिस टाइम से जाना है, नहीं तो वो ऑफिस में बॉस पागल हो जाएगा सुबह सुबह। मैंने कहा सिरदर्दी अपने नाम कर लिया मैंने। सुनील सुनील रुक जाओ, सुनील सुनील आ गए आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे खाना नहीं खाना सीधा बोल देती ना, इतनी मिर्ची डाल के मारना चाहती है क्या? सुनील मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं आपके लिए एक में पानी लेकर आती हूँ। सुनील आई एम सो सॉरी। कुछ दिमाग दिमाग भी है या नहीं? मेरे घर वालों में बोझ थी जो मेरे सिर मर दी, तो किस गवार से शादी कर दी मेरी, किसके पल्ले पड़ गया मैं यहाँ पे। मेरी जिंदगी में यही सब लिखा था। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है पॉट हमारे लिए कितना खास था, हमारी दादी की आखिरी निशानी था ये, और तुमने इसको भी घेर दिया, कितनी लापरवाह तुम। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो सफाई करते हुए कपड़ा लग गया इसलिए वो। तुम्हारा हमेशा का यही है, पहले तुम गलती करती हो उसके बाद उसको कवर अप करती हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, उस दिन तुमने भी तो अपना फोन गिरा दिया था और टूट गया था वो। अच्छा अब तुम मेरे पे ब्लेम करोगी? अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, अब रुक तू रुक। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू चुप जा।
ममता, ममता क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, वो रश्मि को देखकर, कितनी प्यारी बच्ची है ना ये। भाई साहब मेरी एक ही बेटी है, मैं भी चाहता हूँ इसको ऐसा घर मिले जहाँ इसको बहुत प्यार मिले। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, हम रश्मि का खूब ध्यान रखेंगे, उसकी खुशी में कोई कमी नहीं आने देंगे। हाँ जी भाई साहब, इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपकी बेटी हमारे घर आ रही है, अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगे इसका, क्यों ममता? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल, हम इसको अपनी बच्ची की तरह रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जो मेरे साथ हुआ है कभी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी बेटा। अपने लिए आवाज नहीं निकाली लेकिन तेरे लिए चुप भी नहीं रहूंगी।